Good morning students, welcome to maths class. Today we will start our next lesson, long and short. What do we mean about long and short? Long means lamba and short means chota. Wo simple se definition hai. Lekin long and short ke agar maths ke according kiya jaye to itna sari definition aata hai long and short mein bahut kuch aata hai jo hum aaj sikhenge. लॉन्ग एंड शॉर्ट हम लेसन स्टार्ट करेंगे तो लेसन में फर्स्ट है कि हाउ फार अपार्ट आर द डॉट्स. यहाँ पर डॉट्स दिए हुए हैं वो एक दूसरे से कितने दूर है या कितने नज़दीक है वो हमें फाइंड करना है. तो जैसे यहाँ पर डॉट दिए हुए हैं डी ओ, यहाँ पे है बी, तो आपको इसे मेजर करना है. वैसे हम देख के हमें पता चल जाता है कि कौन सा नज़दीक है कौन सा पास है. तो डी और ओ जो है वो थोड़े से नज़दीक है कि डी से एक लॉन्ग है, थोड़ा सा डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में. तो उनको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको स्केल लेनी है, रूलर लेनी है. तो रूलर में जो मेजरमेंट आता है मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कि जैसे ये स्टार्ट होता है, यहाँ पे ज़ीरो होता है, वन कौन से डॉट से कहाँ तक हमें मेजर करना है. तो मैं स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ कि हम डी पकड़ लेते हैं कि डी टू ओ तो कितना है, वन सेंटीमीटर. फिर डी टू बी तो उसका कितना है वो फाइंड करना है स्केल से आपको. फिर डी टू आई, फिर डी करना है और लर्न करना ही पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर तरीके
1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हमारी स्केल तो हम नॉर्मल सेंटीमीटर अगर हमें फाइंड करना है तो हम छोटी सी स्केल होती है हमारे कंपास बॉक्स में आती है उसमें 15 टर्न नंबर आते हैं 15 सेंटीमीटर की आती है और जो बड़ी वाली जो स्केल होती है वो 30 सेंटीमीटर की होती है। लेकिन आप देखोगे आप कभी क्लोथ कपड़े खरीदने जाओगे तो वहाँ पे आपको मेजरमेंट में अगर 1 मीटर कपड़ा चाहिए तो उनके पास उनके टेबल के ऊपर इस तरह से लगाई हुई होती है पट्टी वो मेजरमेंट के लिए। तो 100 सेंटीमीटर कंप्लीट होता है तब वो 1 मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। वही 1 मीटर से लेके 1000 मीटर, 1000 मीटर तक होगा तो वह 1 किलोमीटर। अगर हम ऐसे किसी को बताए कि आप कितना आज आपने आज कितनी जॉगिंग की कितने किलोमीटर आप लोग चले चलने गए बाहर तो 1 किलोमीटर चले 2 किलोमीटर तो वो 1 किलोमीटर कब कंप्लीट होता है 1000 मीटर होगा तब। 1000 मीटर मतलब ज़्यादा डिस्टेंस होता है ऐसे ये 100। तो ये सारा ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। फिर ये वाले जो मैंने डॉट आपको दिखा है वो आपको प्रॉपर तरीके से नोटबुक में स्केल से लेके मेजर कर लें। यहाँ पे गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स हाउ मेनी सेंटीमीटर इट इज। तो ये जैसे मैंने दिखाया स्केल से आपको मेजर करना है। नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। डिड यू गेस राइट। तो आप जो कर रहे हो वो राइट कर रहे हो। एक बार आप अपने पेरेंट्स से चेक करा लेना। नेक्स्ट विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर फार्थेस्ट फ्रॉम ईच अदर। तो ये सारे जो डॉट्स दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में वो फार्थेस्ट मतलब फार और नियर फार मतलब दूर। तो फार्थेस्ट मतलब दूर कौन से दूर और सबसे है जो सबसे दूर है तो वो आएगा ओ टू एम। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए उसमें फर्स्ट में फार्थेस्ट जो डॉट्स है वो फार्थेस्ट डॉट जो है वो कौन से हैं तो ओ टू एम और उन दोनों का डिस्टेंस है 9.5 सेंटीमीटर। ओके एंड सेकेंड जो है विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर। वैसे ही कौन से दो डॉट्स ऐसे हैं जो सबसे नज़दीक में है तो नियरेस्ट कौन से है तो आप अगर देखोगे तो O टू D ये जो है या फिर D2O लिखो चलेगा वो कितना सेंटीमीटर है तो वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर है एक दूसरे के सिर्फ इतना ही डिस्टेंस है जबकि जो दूसरे डॉट है उसके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है। तो फास्टेस्ट कौन से डॉट है तो O2N एंड नियरेस्ट कौन से डॉट है तो O2D। अभी ये डॉट वाला मैंने एक्सप्लेन किया। अभी मैं एक चीज़ समझा देती हूँ सिंपल सी कि लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या होता है। तो जैसे मेरे क्लास में मैंने जो मेरे साथ थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा है उनको पता ही है कि मैंने स्टूडेंट्स को हाइट के अकॉर्डिंग ही सबको मैं लाइन कराती हूँ। क्यों कराती हूँ लाइन में जब हम कहीं भी जाते हैं तो मैंने हाइट वाइज किया हुआ है तो इस हाइट के जैसे इस तरह होता है कि फर्स्ट स्टूडेंट सेकंड स्टूडेंट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। तो यहाँ पे जो होता है फर्स्ट स्टूडेंट और लास्ट में जो होता है वो तो ये जो है वो जो क्लास में सबसे जिसकी हाइट कम है शॉर्टेस्ट है तो ये आएगा शॉर्टेस्ट जो लाइन में हो फर्स्ट होगा और जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है वो रहेगा लास्ट। वो क्या है क्योंकि वो लॉन्ग। अभी ये इस तरह से क्यों करते हैं कि क्लास में भी अगर मैं इस तरह से हाइट वाइज हम बिठाएंगे हाइट वाइज जो शॉर्टेस्ट है उनको आगे बिठाते हैं क्योंकि अगर बोर्ड पे लिखना है तो अगर आगे कोई उससे हाइट वाला ज़्यादा लंबा कोई उनके आगे बिठा देंगे तो वो शॉर्टेस्ट जो कम हाइट वाला है उसको बोर्ड पे प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देगा। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि लॉन्ग एंड शॉर्ट। और फिर उसमें इतना सारा मेजरमेंट आता है हमारी हाइट कितनी है वो सारा
तो वो सब हम स्टडी करें। नाउ टर्न माय पेज। द सॉर्टर लाइन, यहाँ पे एक दूसरे एक स्टोरी टाइप है। सॉर्टर लाइन। अकबर वॉज अ फेमस किंग। ही हैड अ स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल। वंस अकबर गेव हिम अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ही ड्रॉ अ लाइन ऑन द फ्लोर। तो अकबर और बीरबल के बारे में सब जानते ही होंगे। जो अकबर जो था वो किंग था और बीरबल जो था वो उसका फेवरेट मिनिस्टर था, कि उसकी हर प्रॉब्लम में वो उसे हेल्प करता था। तो यहाँ पे अकबर ने एक दिन बीरबल को कहा, बीरबल हियर इज अ लाइन, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग। तो अकबर ने एक लाइन बनाई करेंगे। टू टू ज़ा फोर।
रह जाता है कोई नंबर तो उस नंबर को पॉइंट रख के यहाँ जीरो करना। यहाँ पहले क्या रखना है पॉइंट, देन यहाँ पे जीरो लेना है, फिर अभी टू फाइव का टेन आया, टेन माइनस टेन जीरो जीरो, दैट मीन्स क्या आएगा 2.5। क्या करना है मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो नंबर रह जाता है उसको अभी वन जो टू से छोटा है तो अभी टू डिवाइड बाई वन नहीं होगा, इसलिए हमें और नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो और नंबर जब हम ऐड करें तो ऐसे ही ऐड नहीं कर देना है, नहीं तो यहाँ पर पॉइंट नहीं रखोगे तो क्या आंसर आएगा 25, लेकिन 25 नहीं आता है वो फिर आंसर पॉइंट में चला जाता है तो 2.5। तो अभी आपको वो रूम 2.5 का इससे अगर ग्रो करना है, ओके इस तरह से। देन फोर नंबर ड्रो अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ, यहाँ पे एक फेस दिया हुआ है, फेस के ऊपर हेयर दिए हैं, तो जो हेयर दिए हैं उससे हमें डबल लेंथ, लेंथ मतलब लंबे लंबे जो हेयर जिस तरह फेस है ये, तो फेस के ऊपर ऐसा एक हेयर दिया, तो जो उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है ड्रो अनदर हेयर ऑफ डबल जॉ लाइन, तो ये जो लेंथ है उससे डबल लेंथ के हमें, तो हम अगर स्केल से नापेंगे तो ये हाफ सेंटीमीटर के है तो हमें वो 1 सेंटीमीटर जितने लंबे और हेयर उसके बनाने हैं, ओके। तो वो आपको टेक्स्ट बुक में कर देना है या फिर नोटबुक में करना है। नेक्स्ट पेज हाउ टॉल हैव यू ग्रो, तो जब हम छोटे थे जो बेबी बॉर्न होता है तब वो सिर्फ इतना सा होता है, ज़्यादा हाइट नहीं होती है, तो तब से लेके जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो एवरी ईयर आपकी हाइट, एवरी ईयर एवरी टाइम आपकी हाइट थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है, जैसे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे उतनी हाइट आपकी थर्ड स्टैंडर्ड में या फोर्थ स्टैंडर्ड में नहीं होती है, वो हाइट बढ़ती जाती है। तो डू यू रिमेम्बर दैट इज क्लास 3 यू मेजर योर हाइट, आप जब थर्ड स्टैंडर्ड में थे तब आपने अपनी हाइट थर्ड स्टैंडर्ड में मेजर की थी, नहीं की होगी तो आप घर पे भी कर सकते हो कि जैसे कि हमें वॉल से ऐसे एकदम स्ट्रेट खड़े रह जाना है और वॉल के ऊपर हमारी हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक डॉट लगा देना है, फिर अगर हमारे पास स्केल है तो स्केल से प्लस प्लस करते, बड़ी वाली स्केल है तो वो 30-30-30 प्लस करके आप अपनी हाइट मेजर कर सकते हो। फिर डू यू थिंक यू हैव ग्रो टॉलर, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थर्ड स्टैंडर्ड में था उसे थोड़ा सा मेरी हाइट बढ़ी है, हाउ मच तो वो कितनी है वो आपको लिखनी है। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, ये वाली बुक मिल रही है बाहर तो आप ये वाली बुक एनसीईआरटी वाली बुक ले लेना और उसमें यहाँ पे आपको फिल करना है कि फ्रेंड्स आपके 3-4 फ्रेंड्स जो आपके नज़दीक हो, अगर नहीं तो आपके घर के घर में अगर कोई छोटे बच्चे तो उनकी हाइट, क्योंकि अभी तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो तो अभी आपके घर में जो पर्सन है उसका आप नाम लिखो कि इसकी हाइट कितनी है वो लिखना है आपको, और अगर आप पिछले साल से आपकी हाइट कितनी बड़ी है वो आपको लिखना है। यहाँ पे दूसरी एक स्टोरी या क्वेश्चन टाइप है, जुम्पा वांट्स रीड अ लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, जुम्पा जो है वो टॉलेस्ट पीपल वर्ल्ड में सबसे हाइटेस्ट सबसे लॉन्गेस्ट पीपल कौन है उसकी लिस्ट पढ़ रही है। वन ऑफ देम वॉज, उसमें से जो एक था वो उसकी हाइट थी 272 सेंटीमीटर टॉल, कितनी ही तो 272, तो दैट इज जस्ट डबल ऑफ जुम्बाज हाइट, हाउ टॉल इज जुम्बा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जुम्बा की हाइट दी नहीं है, हमें जुम्बा की हाइट फाइंड करनी है, तो उसमें सिंपल सा दिया हुआ है कि जो टॉलेस्ट पर्सन है उसकी हाइट है 272 सेंटीमीटर, और यहाँ पे स्टेट आप
फर्स्ट डबल ऑफ जुम्पा हाइट, दैट मीन्स जुम्पा की जो हाइट है उससे इसकी हाइट जो टॉलेस्ट पर्सन है उसकी हाइट डबल है। दैट मीन्स हमें फाइंड करना कैसे है, डबल का मैंने बताया था कि जब भी डबल वर्ड आए आपको टू से ही डिवाइड करना है। 272 डिवाइड बाय 2, 2 वन था 2, यहाँ पे 2 माइनस 2 0 आया, ये वाला 7 नीचे ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 2 2 4, 2 5 6, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, तो 2 3 6 आएगा, 2 4 8 हो जाता है जो 7 से बड़ा नंबर है, इसलिए हमें वो नहीं लेना है, 2 3 6 लेना है। 7 - 6 करोगे 1 बचेगा, फिर ये वाला 2 हमें नीचे लेना है। ऐसा अभी ये क्या है, आगे के सम में जैसे किया कि वहां पे लास्ट में कोई फिगर बचा नहीं था इसलिए हमने पॉइंट रख के यहाँ पे 0 लिया, लेकिन यहाँ पे लास्ट नंबर अभी यहाँ 1 बचा है, लेकिन लास्ट वाला नंबर हमें बाकी है करना, तो डिवाइड करना बाकी है, इसलिए वो नंबर हम नीचे ले लेंगे। अब 2 की टेबल में 6 कब आएगा, सॉरी 2 की टेबल में 12 कब आएगा, तो 2 6 12 12 - 12 0, दैट मीन्स जुम्पा की हाइट कितनी है, तो 136 सेंटीमीटर। ये सम आपको करना है इस तरह से, 136 सेंटीमीटर। ये सब आपको यहाँ पर ध्यान से देख के फिर आपकी नोटबुक में करना है। मैंने होमवर्क में ये चार्ट दिया है और दूसरा भी एक होमवर्क है जो आप, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं आई है तो वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो आपको फाइंड करके आना है। यहाँ इमेज भी करना है, पुट दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट पेंटिंग। तो आपको क्या लगता है कि आपके उसके 272 जो टॉलेस्ट पर्सन है उसी की बात है, तो 272 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, तो आपको लगता है कि वो आपके क्लासरूम में बिना बैंड हुए आ सकता है। तो मिनिमम हमारे क्लासरूम का जो डोर होता है वो 6 फीट का होता है, तो वहाँ तक तो आ ही जाएगा या सीधा आ सकता है। विल दिस हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ ही स्टैंड स्ट्रेट, क्या वो उसकी हाइट इतनी है कि वो स्ट्रेट खड़ा रहेगा, तो रूफ मतलब आपकी छत, आपके घर की छत तक उसका हेड टच हो जाएगा या नहीं, तो वो क्या होता है, डिपेंड्स ऑफ हाइट ऑफ अवर हाउस। अगर वो किसी हमारे हाउस मिनिमम तो नहीं ही टच होगा, क्योंकि हाइट इतनी होती है कि इतना लंबा नहीं है वो कि उसकी रूफ तक उसकी टच हो जाएगा उसका हेड। लेकिन कभी क्या होता है कि कोई शॉप होती है या कोई छोटा सा घर होता है तो उसकी हाइट कम होती है, तो उसमें तो कभी कभी हमें भी टर्न होके जाना पड़ता है, तो उसमें डिपेंड ऑफ रूफ हाइट ऑफ रूफ होता है। फिर द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली, तो यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चन है वो लिख देती हूँ, आपके पास अगर टेस्ट बुक नहीं है तो ये आपको फिल करना है, ये होमवर्क है। ओके, तो फर्स्ट है हु इज द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, हु इज द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, तो आपको आपके घर में जो टॉलेस्ट है उसका नाम लिखना है, और अगर लिख सको तो उनकी हाइट भी लिख देना। सेकंड, मेजर कर सको तो उसकी हाइट लिख देती हूँ, हु इज द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, हु इज द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, तो आपकी फैमिली
नेक्स्ट पीरियड में मैं यही लेसन कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू सो मच।